फ्रेंड्स, देश की लो कॉस्ट एयरलाइन जिसमें कि टाटा का 51% स्टेक है और जो कंपनी आज से 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, आपको बता दें कि एयर एशिया में पिछले 1 साल से इतनी अच्छी ग्रोथ आई है जितना कि पिछले 5 सालों में कभी नहीं आई थी। कंपनी इस ग्रोथ को और आगे बढ़ाने और फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए अब एक नए CFO को अपॉइंट करने जा रही है। उसका नाम है विकास अग्रवाल। विकास अग्रवाल इससे पहले टाइटन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि टाइटन में भी टाटा का स्टेक है, तो एक तरह से विकास अग्रवाल टाटा ग्रुप के ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं विकास अग्रवाल के बारे में। तो ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टाइटन कंपनी के अलावा विकास अग्रवाल को और भी कई कंपनियों का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि मधुरा गारमेंट्स, GE मोटर्स, कोका कोला। अगर टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो विकास अग्रवाल के पास टोटल 27 साल का एक्सपीरियंस है। इनके पास ऐसी काबिलियत है कि एयर एशिया कंपनी का रुख भी मोड़ सकते हैं और एयर एशिया को नई बुलंदियों को छूने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। फ्रेंड्स, एयर एशिया का नाता पहले से ही विवादों में चल रहा है। एयर एशिया पर मैनेजमेंट कंट्रोल, घूसखोरी और कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसे आरोप लगते आ रहे हैं, जिनकी जांच का जिम्मा ED को दिया था। तो फ्रेंड्स, अब देखना ये होगा कि क्या कंपनी अपने पुराने विवादों को पीछे कर नए CFO के लीडरशिप के तहत आगे निकल पाती है या नहीं।